नमः यतीन्द्रिय नमस्तुभ्यं गौरकृष्ण प्रियात्मने रूपानुगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामयी परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीवत् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि शास्त्रांग दंडवत प्रणाम करके उनकी अनेक की कृपा प्रार्थना करता हूं। परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी की महती कृपा आपके इस गुरदासपुर में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। किस लिए? कहीं पे पढ़ा, किसी सज्जन ने लिखा, ऑस्ट्रेलियन फॉर्म फॉर्म बोट फेस्टिवल बोलते। मैं भी सोचा कि देख लेते भैया ये ऑस्ट्रेलियन फॉर्म का बोट फेस्टिवल कैसे होता है। हमको निमंत्रण आया था श्री राधा माधव जी के नौका विहार के लिए। दोनों में बहुत अंतर है, ना केवल भाषा का, भाव का भी अंतर है। ऐसा ऑस्ट्रेलियन फॉर्म बोट फेस्टिवल एक तरफ और दूसरी तरफ श्री राधा माधव जी के सलिल विहार नौका विहार। और बोल रहे थे कि जगन्नाथ जी का करना है। मैंने मना किया, मैंने बोला जगन्नाथ जी का अगर करना है तो मेरे लिए मुश्किल होगा क्योंकि दुनिया मुझे गालियां दे, क्यों माने जगन्नाथ जी का नौका विहार कर नहीं सकते? जरूर कर सकते हैं लेकिन इस समय नहीं कर सकते क्योंकि अभी जगन्नाथ किसी को दर्शन नहीं दे रहे, उनकी लीला चल रहा है अस्वस्थ होने का। मूल स्थान जहां पर उनका नित्य सेवा चलता है पुरुषोत्तम धाम के अंदर जगन्नाथ विश्राम कर रहे हैं अस्वस्थ लीला करते हुए, और यहां हम उनको नौका पर बिठा करके विहार करेंगे वो बिल्कुल तरीका नहीं है। तो फिर इसलिए राधा माधव जी का नौका विहार का आयोजन हुआ। राधा माधव जी नौका विहार करते हैं, वो जल के लिए करते हैं, जमुना जी के जल में उतर कर वहां खेलते होते हैं, नौका विहार करते हैं, राधा कुंड के जल में खेलते हैं, इस तरह की कई सारी लीलाएं वो करते हैं। और स्वयं जगन्नाथ भी अपने मदन मोहन रूप में वो क्या करते हैं, यही गर्मियों के दिन चंदन यात्रा के समय श्री मंदिर से निकल के पालकी में चंदन सरोवर में आके वहां पर नौका विहार करते हैं। वो पूरा प्रमाणित है। ऐसा जो नौका विहार लीला को परसों मनाएंगे, किसी ने कभी इस बात का चिंता किया कि भगवान ये सारी लीलाएं करते क्यों? क्या भगवान अपने मनोरंजन के लिए करते हैं? अक्सर कईयों के मन में आता है हम लोग इस संसार के अंदर इतना दुखी होके जल रहे हैं और भगवान जो है आनंद ले रहे हैं, है ना? कई लोग जिसकी ईर्ष्या पराकाष्ठा पे होता है वो लोग भगवान को देख के भी ईर्ष्या करते हैं।
इंसान को तो देख के करते ही उनको भगवान से भी इच्छा होता है। ले भगवान को आनंद लेते आप भगवान ये सब करते क्यों, क्या उनको सुख मिलता है सब करने से? कभी किसी ने चिंता किया? स्वयं भगवान ही बोल रहे क्यों वो ये सब करते हैं। क्या बोलते हैं? मद्भक्त विनोदार्थम। क्यों मैं सारे काम करता हूं? क्योंकि मैं आत्मा राम हूं, भगवान को सुख अनुभव करने के लिए, आनंद अनुभव करने के लिए किसी और की जरूरत पड़ता नहीं। हम लोग अकेले आनंद नहीं ले सकते, अकेले थोड़ी देर जरूर बिता सकते, लेकिन अकेले छोड़ दो हम आनंद नहीं ले सकते, परेशान हो जाए। कोई ना कोई चाहिए जिससे हम बात करें, खेले, बोले, लड़े, झगड़े, कुछ भी कर, लेकिन अकेले में कुछ नहीं होगा। लेकिन भगवान जो है आत्मा राम है, मतलब अपने अंदर में ही लालन करते होते हैं, वो अपने आप के साथ विलास करते होते हैं, उनको आनंद अनुभव करने के लिए किसी और की जरूरत है ही नहीं। फिर भी वो लीला करते हैं। नामां कर्मणं लिप्पन्, मैं किसी भी प्रकार के कर्म में लिप्त नहीं होता, मुझे कुछ कर्म करने की जरूरत ही नहीं, जिनकी इच्छा मात्र से ही सृष्टि स्थिति लय अनंत ब्रह्मांडों का हो जाता है, उनको कुछ करने की क्या जरूरत है? समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं नौका में राधा माधव जी को बिठा के घुमा देंगे और नाच कूद लेंगे और वह बहुत बढ़िया हो गया, नहीं, ये सोचना होगा और जरूरी है। जिनका हम करने जा रहे हैं उनको क्या हमारा वो करना जरूरी है, या हम करने से क्या वो स्वीकार करते हैं, किस लिए करते हैं, ये जानना जरूरी है। इसीलिए योगेश्वर ब्रह्म भगवान अनंत ब्रह्मांडों के अधिपति जो अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं उनको क्या जरूरत है? तो भगवान खुद ही बोलते हैं जरूरत है। यद्यपि मैं किसी कर्म में लिप्त नहीं होता और ना ही कोई कर्म का फल मुझे स्पर्श करता, हम कोई कर्म में लिप्त होते हैं तो पूरी तरह से उसमें डूब जाते, लिप्त हो जाते, खो जाते। और दूसरा उस कर्म का परिणाम के ऊपर भी चिपक जाते और वो कर्म का परिणाम हमारे साथ चिपक जाता। लेकिन भगवान स्वयं बोलते नामहि कर्म फले स्प्रिय, तुमको क्या मेरा कोई भी कर्म का फल मुझे लग रहा है? नहीं, कर्म फल भी यदि कृष्ण चाहते हैं तो ही कृष्ण को लगता है, अन्यथा कृष्ण को कर्म फल लगता नहीं। ऐसा श्याम सुंदर ने इच्छा किया, इसीलिए गांधारी का शाप को उन्होंने स्वीकार किया। गांधारी ने बोला था यदुवंश कैलाश होता जाओ तो देखो, बोला ठीक है, स्वीकार कर लिया और हुआ उनके सामने। एक ऋषि आके कहते हैं कि मैं आपको श्राप देना चाहता हूं क्योंकि आपके कारण ही इतना रक्तपात हुआ है, आप अगर समझा के ठीक से तो कौरव और पांडव युद्ध नहीं करते,
और युद्ध नहीं करते तो इतने लोग नहीं मरते। इतने लोगों के मरने का पीछे कारण आप ही हैं। इसी कारण से मैं आपको श्राप देना चाहता हूं। भगवान है तो कोई शासन नहीं करेगा, ये नहीं हो सकता। ऋषि बोल रहे भगवान को, अर्जुन देख रहा है कि ये कर क्या रहे ऋषि, और कृष्ण मुस्कुरा के ऋषि से कहते हैं कि देखो मुझे श्राप देने का इच्छा है तो दे दो, लेकिन याद रखो तुम्हारा श्राप मेरे इच्छा के बिना मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। मैं नहीं कह रहा, महाभारत में है, मैं नहीं चाहूंगा तो तुम्हारा श्राप मुझे छू नहीं सकता। इस कारण से मुझे श्राप देने से मैं नहीं चाहता, लीला संवरण का समय हो गया, किसी भी तुम्हारा श्राप मुझे लगेगा नहीं, लेकिन मुझे श्राप देने के कारण तुम्हारा कुछ बचेगा भी। सोच के फैसला करो। तब ऋषि भगवान के चरणों में गिर के क्षमा याचना करो। ऐसा वो जो ग्रहण करना चाहते हैं वही उनको स्पर्श होता है। वंशीवट के अंदर श्याम सुंदर जिस समय शतकोटि गोपियों के साथ में रास विलास कर रहे थे, उस रास के अंदर कामदेव इस समय चिंता करके लगा कि मैं श्याम सुंदर के ऊपर मार मुच्छा कर सम्मोहन आदि बाणों को चलाकर उनको पराजित कर दूंगा। लेकिन भगवान को काम स्पर्श कहां कर सकता है, इसीलिए श्याम सुंदर श्री राधिका को लेकर वहां से अंदर भाग। अगर काम के द्वारा हत हो गए तो भगवान वहां से हिल नहीं पाते। इसी कारण से गोपियों के साथ में जब श्याम सुंदर बैठे हुए थे, गोपियां दुर्वासा ऋषि का दर्शन करने का इच्छा करती है यमुना जी के उस पार। श्याम सुंदर गोपियों से कहते, गोपियां जाके यमुना मैया से कह देना, यमुना जी से कह देना कि कृष्ण पूर्ण ब्रह्मचारी है, वो लोग हंसते। गोपियां हंसते, क्या मजाक करते हो तुम भी? कृष्ण बोलते तुम जाके बोलो जाओ। वो लोगों ने जैसी बात यमुना ने ले ली, क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकार के काम आदि विकारों के अंदर भगवान लिप्त नहीं होते, उनमें वासना है ही नहीं। कोई भी ऐसी क्रिया है, भगवान को किसी चीज का जरूरत ही नहीं, तो करते क्यों है? भगवान एक ही बात बोलते हैं, मद भक्त विनोदार्थम, मेरे भक्तों को सुख देने के लिए करता हूं, ना कि मुझे कुछ मिल जाएगा उसके लिए। तो तुम्हें क्या मिल रहा है? वो बोलते जो भक्तों को सुख मिल रहा है वो ही मुझे सुख दे रहा है। मेरे भक्त जिस कारण से जिस क्रिया से प्रसन्न होता है उनके द्वारा उस क्रिया को करा के मैं प्रसन्न होता हूं। इसे लोग करो भी नाना उधर क्रिया, तरह तरह के क्रियाओं को मैं करता रहता हूं, मेरे लिए नहीं उनके लिए। ऐसा पिता कई करते हरकते करते, किसके लिए? अपने बच्चे के। और वो हरकत देख के जब बच्चा खुश होता है उसकी खुशी देख के पिता को सुख मिलता है। पिता को अपनी जोतों वाली हरकतों से सुख नहीं मिल रहा, उनकी वो हरकतों से वो बच्चा तो खुश हो रहा है, वो देख के पिता खुश हो रहा है। भगवान की ऐसा ही है, भक्त को अच्छा लगता है, इसी कारण से भक्त की प्रसन्नता को लेकर भगवान प्रसन्न होते हैं। इस चीज को हमें समझना होगा,
इसलिए बोले मदभक्त विनोदा, कुछ करने से मेरा भक्त को सुख मिलता कोई भी काम, इसी लिए करते उसके लिए चोर बनना पड़े चाहे कुछ भी लंपट बनना पड़े कुछ भी बनना पड़े केवल भक्त के लिए होता है। चोर का उपाधि लगाना भगवान को कोई शौक नहीं है, चोर का उपाधि भगवान को कोई शौक नहीं लगाने का, लेकिन भक्त को सुख देने के लिए। सबसे पहला चोरी उन्होंने वो किया, बोलते माखन। इसीलिए कृष्ण कौन है? नवनीत चोर, प्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। अरे माखन किसने चुराया? माखन चुराने का कोई लॉजिक भी दिखता नहीं। अगर हम सोचे कोई भी तर्क से कृष्ण माखन चुराया तो वो अर्थहीन बात है। जिसके घर के अंदर 9 लाख गाय हैं, उनमें से सबसे उत्तम श्रेणी के गोवंश के दूध को उठाकर यशोदा मैया कृष्ण के लिए रख देती, बेकार दूध नहीं रखती कि गाय ने दूध नहीं दिया, जर्सी गाय का पी लो, नहीं तो पैकेट का पी लो या मज का पी लो, आजकल गधे का दूध भी आता है वो भी पी लो, ऐसा नहीं है। गोमाता का दूध, सबसे उत्तम श्रेणी के जो गोमाता है उनका दूध को उठा के यशोदा मैया अलग करके उसको दूध को गाढ़ा करके उसमें दही जमा कर, और इतने बड़े बड़े मटके मिलते हैं, इसने ब्रज में देखा कि नहीं? यशोदा मैया का एक मटका अभी भी है नंदगांव में ना, नंदगांव में, उसमें अगर हम गिरेंगे 6 फीट का आदमी गिर जाएगा उसमें, तो उसको निकालना पड़ेगा मुश्किल, इतना बड़ा मटका। उसमें यशोदा मैया दही को मंथन करती है माखन निकालने के, इतना बढ़िया माखन जिसके अपने घर में हो वो दूसरे के यहाँ चोरी करने क्यों जाएगा? भगवान बोले क्या मदभक्त विनोदा, उनको सुख देने के। क्या ऐसा है वो ब्रजवासी जिनके घर के अंदर गोवंश बहुत ही कम है और जिनके गाय दुबली पतली है, जिनका दूध इतना बढ़िया भी नहीं होता है, जिनके यहां से निकालने के भी इससे ज्यादा माखन भी नहीं निकल पाता है, ऐसे गरीब ब्रजवासी जितने भी हैं, वास्तविकता में गोलोक में कोई गरीब नहीं होता, लेकिन लीला के अंतर्गत ऐसे जितने भी ब्रजवासी है ब्रजजन, उन लोगों के हृदय के अंदर एक भाव हमेशा रहता है कि श्याम सुंदर को हम लोग अगर माखन खिला सके तो हम लोगों को कितना आनंद होगा। लेकिन एक संकोच भी है, कहा नंद महाराज के यहाँ पर जो माखन की मटकिया और कहा इनके घर में छोटे छोटे माखन के खिलाना चाहते हैं, संकोच भी करते हैं। श्याम सुंदर उनके संकोच को देखते कि ये लोग संकुचित हैं, ये कभी भी मुझे खिलाने का साहस नहीं करेंगे, लेकिन मेरे ग्रहण करने से इन सबको बहुत सुख होगा, इसीलिए उनके घर जाकर चोरी करके उस माखन को श्याम सुंदर ने खाया। कोई बात मुझे तुम चोर कह, लेकिन तुम मेरे भक्त हो, मैं तुम्हें संकोच में नहीं रहने दूंगा, तेरा इच्छा अवश्य ही पूर्ण करूंगा, उठा के खाया। एक भी तो असंख्य लीला किस लिए? भक्त को सुख देने के। उनका भी कोई उद्देश्य है ही नहीं, यही उनकी विशेषता है।
वो चाहे किसी भी स्तर के भक्त जिनके साथ में उन्होंने आज तक विलास की है, इन सबके पीछे यही कारण, दूसरा कोई कारण है ही नहीं। यही शामसुंदर की विशेषता, ऐसा भक्त जो कृष्ण के अतिरिक्त और कोई तत्व बोल करके जान पाएंगे, कृष्ण को सुख देने के लिए जिसका एकमात्र उद्देश्य रहता है। आप सुबह जैसे हमने चर्चा किया, कृष्णेंद्र प्रीति वांछा भरे प्रेम नाम, जो कृष्ण के इंद्रियों को पोषण करने के लिए ही जिनके तमाम क्रियाएं रहते हैं। ये अद्भुत बात है, भक्त होता है इस वो है जो भगवान का सेवा करके भगवान को सुख देने का प्रयास करता है, ये भक्त। अब भगवान क्या बोलते हैं, ये यथामान प्रवर्तन्ते तां प्रति भजामि, तुम मेरा सेवा करके मेरा सुख देखना चाहता है, इसीलिए मैं क्या करता हूं, तुम्हारा इच्छा पूर्ति करके तुम्हारा सुख को अपना सुख बना देता। ऐसा समझता है भक्त, उसको कुछ दिखता नहीं आगे पीछे, उसको एक ही वस्तु दिखाई देता है, कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा, कि मेरे श्याम सुंदर का इंद्रिय दोषण होना चाहिए, सर्वतो भाव से मतलब हर प्रकार से मेरा जीवन केवल मेरे श्याम सुंदर को रिझाने, उनको खुश करने के लिए ही हर प्रकार से। अब भगवान बोल रहे, तुमने सब कुछ मेरे लिए समर्पित किया तो मेरा भी तो कर्तव्य बनता है, वो क्या है, मैं तुम्हारे उस सेवा को ग्रहण करके सुख तुम्हें सुख विदान करूंगा, तुम्हें सुख मैं प्रदान करूंगा। और भक्त जब सुखी होता है तो भगवान वहां पर सुखी होते हैं। ऐसा विशेष ये भक्त और भगवान के बीच में होने वाला उस प्रेम का, एक उस प्रेम का जो एक अभिव्यक्ति है, वो हर सिद्धांत से परे होता है। ऐसा इसीलिए प्रार्थना क्या कर रहे, यहां पर लिखा था, कुबेर आत्म जो मत मुंजयत वयामोचितो भक्ति भाजो तथा प्रेम भक्ति स्वगा में प्रेक्षा, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। आपने क्या किया, जो कुबेर के आत्मज है, नर कुबेर मणि क्री जो कि अमला वृक्ष के रूप धारण करके वहां पर कुबेर आत्मजोबद्ध, जो कुबेर के पुत्र है नल कुबेर मणिग्री, वृंदावन बिहारी लाल की, उन दोनों का बंधन जैसे भगवान ने मुक्त किया, क्या करके, भक्ति दान करके, भक्ति के और ऐसे ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरी कामना है आपके चरणों में नाथ, मुझे आप क्या कीजिएगा, प्रेम भक्ति का दान दीजिएगा, मैं और किसी भी प्रकार का उद्धार आपसे चाहता नहीं हूं, नामोक्ष ग्रह में अस्तितामोदरे, हे भगवान, हे नाथ, हे अपने उदर में रज्जु के द्वारा, दाम के द्वारा बंदी होने वाले, भक्ति के पास के द्वारा बंदी होने वाले नाथ, आपसे मैं यही कामना करता हूं, आप मुझे प्रेम भक्ति का दान दे दीजिएगा, मुझे आप किसी भी प्रकार का मोक्ष आदि मत दीजिएगा।
ऐसा मोक्ष में भक्त आनंद अनुभव नहीं करता। यद्यपि मोक्ष प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस ब्रह्मानंद का हिस्सा जरूर हो जाता है, क्योंकि वो सायुज स्वरूप में जाके विलीन होने का प्रयास करता है। समझ में आता है? भगवान की अंधता जैसे ज्योत में समा गया बोलते हैं ना, इसे वो एक भाव है। इसीलिए तपस्या करके, ज्ञान साधन करके, बड़े बड़े साधन करके बहुत सारे ऋषि ब्रह्मलीन हो जाते हैं, ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं। उनको यहां से लगता है कि वो ब्रह्म में विलीन हो गया है, लेकिन शास्त्र बताते हैं उनका विलीन होना ठीक उसी प्रकार से है जैसे जंगल के अंदर पक्षी का लीन हो जाना, प्रवेश हो जाना। यहां से दिखता नहीं है, लेकिन पक्षी का अपना अस्तित्व उस जंगल के अंदर जंगल से सर्वथा भिन्न होकर के पड़ा हुआ। समझ में आया? उस जंगल के अंदर जंगल भी है, पक्षी भी है, और पक्षी जंगल से अलग है, लेकिन दूर से देखने वाला व्यक्ति को ऐसा दिखाई देता है जंगल है और पक्षी जो है जंगल में विलीन हो गया। यही है ब्रह्मलीन होना। सरल भाषा में समझने के, वहां जाने के बाद ही उसका अपना अस्तित्व वैसा ही बना रहता है। तो इस कारण से आनंद का अनुभूति जो है वो पूर्ण नहीं होता है कि एक जगह पे जाकर मेरा अवस्था स्तब्ध हो गया है, अब मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि आगे क्या है। इसीलिए भक्त नामोक्ष ग्रह में अस्ति, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं आपके प्रेम के सामने मोक्ष लब्धता कृत। आपके प्रेम के आगे ये श्याम सुंदर मोक्ष बड़ा ही तुच्छ सा दिखाई दे रहा है। जो वस्तु श्याम सुंदर के आगे तुच्छ दिखाई दे रहा है, श्याम सुंदर की कामना रखने वाला व्यक्ति कभी उस वस्तु को लेने के लिए तैयार नहीं होता है। अरे क्या चाहते हो? आपका सुख चाहता है, जो कुछ चाहिए आपका आनंद चाहता है। तो क्या करने से तुमको आनंद मिलेगा? तब भक्त तरह तरह की इच्छाओं को प्रकट करता है और भगवान उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए उन लीलाओं को करते हैं। ऐसा नंद यशोदा का इच्छा तपस्या की, और लोगों ने घनघोर तपस्या की कि भगवान आप मेरे पुत्र बने, मैं आपको पुत्र का भाव में सेवा करना चाहती हूं, उस वात्सल्य का भाव में सेवा करना चाहती हूं। इसीलिए भगवान उनके यहां अवतीर्ण होकर के आए हैं। भगवान की सेवा जो यशोदा मैया ने किया वही उनका साधन है, वही उनका साध्य है। और श्याम सुंदर उनके आंगन में खेलते हुए उनको सुख दे रहे हैं। ऐसा इसीलिए एक भक्त बोल रहा है, मैं कृष्ण को प्रणाम नहीं कर रहा, तो और बोलते मैं नंद महाराज को प्रणाम करता हूं जिनके आंगन के अंदर पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान घुटनों के बल के ऊपर खेल रहे हैं। किस लिए? नंद यशोदा की इच्छा को पूर्ति करने के लिए। ऐसा नंद यशोदा की इच्छा को पूर्ति करने के लिए वहां पर खेल रहे वृंदावन बिहारी लाल की वो कार्टन है, ग्लास ग्लास है इसमें, बाकी है ना यहाँ ध्यान देना।
ये बहुत जरूरी विषय है। रुचि क्यों नहीं होता, मन क्यों बार बार भटक जाता है, वो सोचा इसको भी पूछते बहुत लोग, महाराज मन नहीं लगता, मन भाग जाता है। क्यों भाग जाता है, उसका कारण है उस मन को हम ही भगा के ले जाते हैं। हम अपने मन को खुद भगा के ले जाते, इसीलिए मन भाग जाता है। मन को कोई भगाता नहीं है, मन को भगाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि मन होता ऐसा है किसी को दिखता ही नहीं, जिसका मन है उसी को पता चलता है। कौन भगाता है, हम खुद भगाते। श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर कहते हैं, किसी के रोज सुबह उठ के मन को 100 जूता मारो, मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद के शब्द है। मतलब क्या है, वो गंदी सी मन जिस चीज को चाहता है उसको वो कभी भी देना नहीं होता है। कई होते हैं, अपने मन की सुनो, नरक में जाए। मन हमेशा ऐसी सलाह देता है कि हमको चूल्हे में ले जाने वाला होता है। प्रभुपाद जी ने बड़े सुंदर कीर्तन लिखा, उसका पहला ही शब्द ये है, दुष्ट मन, मन को दुष्ट बोल के संबोधन किया, तुम्हें किसे वैष्णव, तुम किस प्रकार का वैष्णव, किस प्रकार का भक्त हो तुम, अगर तुम हरिनाम भी करते हो तो प्रतिष्ठा के लिए ही करते। प्रभुपाद ऐसे बोल रहे, हम बोलते कि हम बढ़िया माला कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा साधन कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद परिणाम देख रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं कि तुम्हारा किस प्रकार का साधन है। भरत जी महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया था, जंगल में चले गए थे तपस्या करने के, साधन भी किया, ऐसा नहीं कि साधन नहीं किया। शेष में क्या होता है, साधन करने के बाद भी, शरीर छोड़ने के बाद हिरण बन के पैदा हुआ, साधन करने के बाद भी हिरण बने, मतलब क्या है, ठीक जगह पे मन को नियोजित करने में असफल हो गए थे। मन श्याम सुंदर के चरणों में लगने के बगैर हिरण में जाके लगा, खत्म हो गया। मन बड़ा भयंकर चीज है, हम नहीं समझ पा रहे, अजामिल कितना अच्छा लगा था, जंगल में गया, एक माता को अभद्र स्थिति में किसी पुरुष के साथ में देखा, मैं माता को के संबोधन कर रहा हूं, उन्होंने जिसको देखा उसको समाज वेश्या बोल के संबोधन करता, वेश्या होने पर भी मेरे लिए मां ही है, इसलिए वो उनके साथ में उस व्यक्ति को लिप्त होते हुए देखा, उसके बाद चंचल हो उठा। कैसे चंचल हो गया, क्योंकि मन वहां पे चला गया, मन चंचल हो गया, उसके बाद उसी से शादी भी कर लिया। मन बड़ी भयंकर चीज है, वो टिकने नहीं देता, और जिसका मन जो कोई प्रकार से श्याम सुंदर के चरणों में लग जाता है, जो किसी प्रकार से कृष्ण के शरण में चला गया, कृष्ण में मन लग गया, बड़ी अद्भुत बात है, फिर उसका जो इच्छा होता है कृष्ण उसी को करता है। ये बात जो भक्त चाहता है भगवान वही करता, भगवान क्या करते, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन, मैं स्वतंत्र नहीं, या स्वतंत्र व्यक्ति है, ब्राह्मण देखने में लगता है कि मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन मैं स्वतंत्र हूं ही नहीं, मैं तो परतंत्र हूं, भक्त के अधीन, भक्त जैसा चाहता है ऐसा नाचता होता है, भक्त
भगवान को भी नचा दे, ऐसा ताकत एक भक्त रखता है। भगवान को चंचल कर दे, ऐसा ताकत एक भक्त ही रखता है। कौन सा भक्त? जिसने अपने मन को श्याम सुंदर के चरणों में लगा दिया। श्याम सुंदर के चरणों में मन को लगाए हुए उस शुद्ध भक्त होते हैं। उन लोगों के द्वारा श्याम सुंदर को सुख विधान करने के लिए किया गया क्रीड़ा में से एक है ये नौका विहार। राधा कृष्ण जब नौका में बैठ के विहार करते हैं, वहां दास दासियां नहीं रहते, वहां सखा लोग नहीं रहते, वहां अर्जुन नहीं रहता है, वहां उद्धव जी नहीं रहते, वहां पर नंद यशोदा नहीं रहते, वहां पर केवल गोपियां रहती है। गोपियों के द्वारा परिवेश उनके साथ में घिरा हुआ श्री राधा कृष्ण जो दिव्य युगल है, उन लोगों का एकांतिक सेवा की जो लीला है, क्रीड़ा, वो राधा माता जी का नौका विहार है। उसको करना है तो दो दिन अपने आप को तैयार नहीं करना है, और वो तैयारी नहीं किया तो फिर वो ऑस्ट्रेलियन फार्म बोर्ड फेस्टिवल हो जाएगा। है ना, कितना खुश हो रही है माता, तैयार होने के लिए खुश हो रही है या ये सोच के खुश हो रही कि होना तो नहीं है, उनको ही पता। हमारे आचार्य कह रहे हैं, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जिसका मन पवित्र है, शुद्ध मन है, वही पर भक्ति का स्वागत होता है। भक्ति वही विराजती है, गंदगी में भक्ति नहीं हो सकती, गंदगी में भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति कहां होती है? शुद्ध भक्तों के हृदय, और शुद्ध भक्तों के हृदय से अन्य शुद्ध हृदय को अंदर संचारित होती है। इसीलिए बोला भगवान को नचाने वाला, भगवान को रिझाने वाला उस भक्ति को तुम अनुभव करना चाहते हो तो क्या करना है? भक्त संग करो, क्योंकि भक्ति अस्त भगवत भक्त संगीत बन जाए थे। भक्ति जो है ऐसे शुद्ध भक्तों के पास में मिलता है। ऐसा इसीलिए एक भक्त क्या बोल रहा है, बहुत सोच विचार के एक बार बोला, कोई कर्म का अवलंबन करता है तो कोई ज्ञान का अवलंबन करता है। केचित कर्मावलंबक केचित ज्ञानावलंबक, वयम तु हरिदासानां पदत्राणावलंबक। मैंने जैसे जो लोग हैं वो किनके आश्रय लेकर के बैठे हैं? बोलते हरिदासानां, जो भगवान के दास हैं, बोलते उनके चरणों के जो पादुकाएं हैं उनका सहारा लेकर के बैठे हैं कि उनका कृपा हमारे जीवन में हो और भगवत भक्ति का बीज हमारे जीवन में आ जाए। वही भक्ति का बीज हम लोगों को राधा कृष्ण युगल के श्री चरण में ले जाकर वो प्रेम का फल आस्वादन करने का अधिकारी बना दे। वो प्रेम फल को आस्वादन करने का अधिकारी किसको बनाता है? उनको बनाता है। वो कहां से आता है? भक्त संग से आता है। ऐसा भक्त संग में क्या मिलता है? उसके भक्ति को किस प्रकार से मिलता है? अपनी अवस्था को बदला के मिलता है। भक्तों के पास जाने से पता चलता है कि हाय, मैंने अपने जीवन को प्रभु की सेवा में समर्पित किया, कहां कहां लगा कर बर्बाद कर दिया।
इस संसार में पढ़कर दिशाहीन होकर आस में उपायहीन होकर के बैठा हुआ चांदना में उस उज्जवल प्रेम को है, उस रस को चाहता हूं, उस आनंद को अनुभव करना चाहता हूं, लेकिन उसको अनुभव करने के लिए जो मेरा प्रयत्न है वो कहां का कहना तो दिखाई दे रहा है, दिशाहीन होकर के पड़ा हुआ ऐसा है ना, एक दिशा की दिखलाई नहीं दे रहा। लेकिन इस बात को मैं अच्छी तरह से समझता हूं, मुझे दिशाहीन को भी एक दिशा देने का काम कहां से हो रहा है, आपके चरणों से हो रहा है, आपके श्री चरणों से हो रहा है, आपके चरणों में आश्रय लेने से हो रहा है। इसीलिए मेरा जीवन का एकमात्र सार आप ही के चरण है और कुछ है ही नहीं है। ऐसे बोलते जब एक भक्त भगवान के चरणों में जाके कस के पकड़ लेता है, कैसे भगवान उनको नहीं बिछाएगा, कैसे नहीं बिछाएगा। ध्रुव महाराज सब छोड़ छाड़ के भगवान के दर्शन की अभिलाषा से जंगल में जाके बैठ गया, हरिनाम कर रहा है। ध्रुव महाराज ने बताया कि ये वाला नाम को करो, लेकिन लाई नहीं तोड़ना, तो ठीक है। करते 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 ध्रुव महाराज ने क्या किया, श्वास को भी रोक लिया, क्योंकि जैसे बोले हरे कृष्ण कृष्ण हरे, ये जो सांस जो हम ले रहे हैं नाम करते करते, वो भी उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा वो जो लाइट है, वो जो कड़ी है उसको तोड़ रहा है, इसलिए उन्होंने सांस भी हटा दिया। सही जगह कह रहा है, उन्होंने क्या किया, सांस को भी लेना छोड़ दिया। जब सांस लेना छोड़ दिया, भगवान को वहां आना पड़ा। न केवल आए, ध्रुव महाराज को उठा के अपना गोद में बिठाया। जो ध्रुव महाराज अपने पिता के गोद में ना बैठ पाने के कारण सब छोड़ के गए, अनंत ब्रह्मांडों के अधिपति भगवान नारायण को गोद में जाकर के बैठ गए हैं और उनको भगवान लाड कर रहे हैं। कहां एक साधारण पिता का गोद और कहां स्वयं भगवान का गोद। वो भक्त को विनोद नहीं प्रदान कर रहे हैं, सुख नहीं दे रहे हैं। ऐसा खुद की अवस्था को समझकर उससे बाहर निकल के प्रभु की कृपा की प्राप्ति के लिए, प्रभु कृपा लागी हमारे आचार्य कहते हैं, भगवान के कृपा को पाने की इच्छा से व्याकुल अंतरे अंदर से अधीर होना पड़ता है, चंचल होना पड़ता है। रिलैक्स होकर साधन करेंगे तो वास्तविकता में कुछ भी हासिल नहीं होगा। रेस्टलेस होकर साधन करना पड़ता, अंदर से वो जो हलचल हो जाना चाहिए कि भाई मुझे कब मिलेगा, वो सुख मुझे मिलेगा, वो दर्शन मुझे मिलेगा, वो सेवा मुझे मिलेगा, वो कृपा मेरे पे होगा कि नहीं, ऐसे। और सबके बीच में क्योंकि सदा कामदेह सांगों को है, बंद कमरे में बैठकर तड़पते हुए रोना पड़ता है श्याम सुंदर के, फिर श्याम सुंदर रह नहीं पाते, बाहर निकल के आते हैं। ये है विशेषता, बाहर निकल के आके भक्तों के साथ जो जो निवास करते हैं उस भक्त के अनुसार वही भगवान की लीला है, वही उनकी लीला। तुम खुश तो मैं भी खुश, मुझे देख के तुम्हें आनंद मिल रहा है, इसलिए तुम्हें आनंद देने के लिए मैं बार बार तुम्हारे पास आऊंगा, यही भगवान की लीला है। अनंत रूपों में
नाना भाति राम अवतार किस लिए भाई जो है उसी रूप में आओ। भक्त को सुख देने के लिए अनंत रूप धारण करके आते ये जगत को बताने के लिए कि मेरी लीलाएं सीमित नहीं है, अनंत है, हरि अनंत। जब हरि अनंत है उनके रूप अनंत है, उनके गुण अनंत है, उनकी लीला अनंत है, उनका प्रेम अनंत है, उनका सब कुछ अनंत है। इसीलिए अनंत रूप धारण करके अपने असंख्य भक्तों को रिझाने के लिए भगवान वहां पर आते हैं, और जो रिझाते हैं उनको और उस रस को जो लोग आस्वादन करते हैं उन्हीं का जन्म धन्य हो जाता है। ऐसा ये सब कैसे होता है बनते हैं भक्त संग में जाने से होता है। जिनके हृदय में श्याम सुंदर है वहां पे जाओ, भगवान को भक्त के हृदय से बाहर निकालो। भगवान भक्त का हृदय का धन है, संपदा है, ऐश्वर्य है, तो उसमें से उनको बाहर नहीं निकालने देते, बाहर नहीं निकालते। उनके पास जाकर जब भगवान का गुणगान करते हैं तब भक्त अपने द्रवीभूत हृदय से प्रसन्न होकर अंदर से भगवान को निकाल के हम लोगों को दे देते। जब दे देते हैं तब हमको भी उनके सामने विलास करने का, लीला में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है, हमेशा नहीं होता ऐसा। हमेशा इस चीज को याद रखना, भगवान से निरंतर प्रार्थना करते रहना, उनसे कहना हे हरि हे नाथ। क्या बोलना है? हरि मैं दास तुम्हारो, हरि दास तुम्हारो, हरि जी मैं दास। Thank you.
रहा, मैं डूबता जा रहा, डूबता जा रहा था भाव समुद्र में, लेकिन डूब गया हूँ भाव समुद्र। एक मात्रा कभी अंतर है, एक है भाव जो कि साधन करती करते आता है। जहां पर श्री राधा माधव युगल के प्रति हमारा संबंध है, वो भाव भी बड़ा अद्भुत चीज है। भाव भाव रस है, श्री चैतन्य देव भाव रस को धारण करने वाले, भाव रूपी अमृत को धारण करके इस जगत में अवतीर्ण होकर इस जगत वासियों को हम अमृत को पार कराया। बहुत सुंदर प्राप्त करता है, भगवान में डूबा।
मुझसे प्रेम कर, कई प्रकार से मैं तुम्हें मुझसे वंचित करूंगा। इसीलिए भक्त कहता है कि आप परम कृपा दी है, आप दीन दयाल है, मैं अत्यंत दीन व्यक्ति हूँ, अनेक जन्मों से आपसे विमुख होकर पड़ा, किस अधिकार से कहूँ नाम, किस अधिकार से मैं आपसे कहूँ कि मुझे सेवा करता हूँ। लेकिन एक उम्मीद, एक भरोसा और क्योंकि मैं आपका दास हूं, आपसे उस कृपा दृष्टि का अधिकारी जरूर, इसीलिए भले जी में आप ही
क्योंकि वो हमारा पीछे चल रहा है। अगर इधर नहीं भी आया उस कोर्ट में जरूर आता है भगवान के दरबार। तो इसलिए हमारा कर्म फल संचित बनकर स्वार बनके हमारा पीछे बोझ बनके चल रहा होता है, जिसको ढोते ढोते हम लोग परेशान हो रहे हैं। हरी बोलते ही भगवान उसको काट देते हैं। संसार का बंधन को भी तोड़ देते हैं और अनावश्यक जितने भी बोध हमने लाभ के रखा भगवान कृपा करके सब तोड़ देते हैं। क्या करने से? हे हरि करके पुकारने से। फिर जब हम हरि का नाम लेते हैं भगवान क्या करते हैं, हमारे चित्त को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि अब वो शुद्ध हो गया है। इसीलिए भगवान बोलते जब मेरे पास, जब भगवान आकर्षित करते हैं तब महामाया द्वार खोलती है, चल तुम्हारा गोरी निगम को बुला रहा है, जा मेरे पास। अभी बहुत लाभ होता है हरिनाम करने से। जो परसों करने जा रहे हैं वो रोज रोज कर सकते हैं। फिर आपको स्विमिंग पूल भी बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मन के स्विमिंग पूल में जो है, मन स्विमिंग पूल तो इतना ही होता है, उसकी उसकी डेप्थ भी जो है इतना ही होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई भी इतना ही होता है। यहाँ पर समुद्र का निर्माण हो जाएगा हृदय के अंदर। उस समुद्र में नौका विहार करेंगे श्री राधा गोविंद देव जी, बड़ा आनंद आएगा। परसों प्रैक्टिस करना, बाद में मन में करते रहना, है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी को जैसे महाप्रभु ने बोला, ब्रजे राधा कृष्ण मानसी सेवा कोरी के करके, तुम हमेशा राधा कृष्ण का मानसिक सेवा अपने हृदय में करना। वो करने के लिए एक अधिकार चाहिए, उसके लिए हरिनाम करना, हरिनाम करना, ठीक है ना। इसीलिए हम हरिनाम कर प्रभु से प्रार्थना करेंगे, आपका दास सुना मुझ पर कृपा करेंगे ना, करना है तभी तो मैं आपका सेवा कर पाऊंगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा हरे Thank you.
Thank you.
मन को तैयार करना पड़ता है। जिसे कार्यक्रम के लिए तैयारियां करते हैं, ऐसे प्रभु को स्वागत करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए तैयारियां करना पड़ता है। ऐसा भगवान सब कुछ करते हैं, उनके लिए असंभव कुछ नहीं है। और ऐसी है नहीं कि भगवान नहीं चाहते, भक्त चाहेगा तो भगवान जरूर चाहेंगे। भक्त की चाहत वो दो पर्वों में से निकल के वहां जाने के लिए साधन करना पड़ता है, बस दरवाजा खोल के बोलना है, बस इतना ही। दिल का दरवाजा को खोल के बोलना है, और चीजें घर के अंदरी नगरी है खोलना है इसका। उसके बाद क्यों नहीं सुनेगा, क्यों नहीं आएगा, आनंद सब कुछ मिलेगा। जय श्री श्री गौरंगा गिरिधाम, श्री श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद, श्री राधा गोपीनाथ, श्री राधा गोकुलानंद, पंचतत् पावन श्री गौर हरि की। जय परित्वावन परम करुणामयी परमाराध्यतम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अशोकर शतश्री श्रीमद श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की।